अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूक के नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मगर ये प्रोग्राम मशहूर है इंटरनेट से। अगर ये लोड हो गया कि कल से बताया तो आज जा रहा है कि नेट स्लो है और ये भी नहीं हो रहा और वो भी नहीं हो रहा और कोई चीज लोड नहीं हो रही। मगर असल बात ये कि नेट कल से वैसे तो मुकम्मल, आप ये समझिए कि VPN लगाए बगैर आप व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं भेज सकते, कॉल का तो तस्वूर ही नहीं है। तो मगर यहाँ इकॉनमी के बड़े बड़े दावे हैं, क्या कह सकते हैं आप। तो बहरहाल कहना ही चाहता हूँ कि अगर लोड हो गया तो आप देख लेंगे, वरना रह जाएगा। मुझे यकीनन लड़ाई है KPK की, तहरीक इंसाफ की वफाक से, और दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, मगर मुझे रियासत कमजोर लग रही है और रोज कमजोर हो रही है कि पाड़ा चिनार में, कुरम में, जहां इत्तलात ये हैं कि दाइश के लोग जो है बॉर्डर क्रॉस करके जनरेटर के जरिए बाढ़ काट कर वो अंदर आ रहे हैं और हमले कर रहे हैं और शिया आबादी को बहुत मुश्किल में डाला हुआ है। कुछ 200 से यहाँ सरकारी पैमाने पर डेटा तो कोई 125-130 के पास है, मगर जो वहाँ से इत्तलात है वो ये है कि 200 से ज़्यादा क्रॉस कर गए और बहुत बड़ा नंबर है जो कोई नहीं बता सकता कि उसमें जख्मी कितने हैं और कोई रियासत का कोई कंट्रोल नहीं है। और KPK हुकूमत तो आपको पता है कि खासअब की रिहाई में इंटरेस्टेड है, हुकूमत ही नहीं कहती, जहाँ जितना सच हो वो बयान करना चाहिए। मगर साथ में पहले मैं कुछ खबरें आपको सुनाना चाहूँगा। अभी दोपहर को मुनम जफर नाम है ना, जो जमात इस्लामी अमीर कराची है, उनकी इदारा नूर हक से प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई कि जनाब वो कोई जमाली पोले सुपर हाईवे पर इतफाक से मैं अपनी बहन के घर, जो US में ही रहती है मगर यहाँ बहरिया टाउन में उन्होंने घर दिया हुआ है, तो मेरी नीस आई हुई थी एक डैलस से और एक मुशीकन से, तो वो मुझे आके ले गई अपने साथ। तो एक कयामत है सुपर हाईवे पे जाना, और जो ट्रैफिक का सिस्टम है, जो निज़ाम है, जो कयास है, और जो रियासत की लापरवाही, गफलत, नाहली और जो कुछ भी आपको दिमाग में आता हो इस हवाले से देखना हो तो वहाँ चले जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा, और ख़ासकर बहरिया टाउन तक बुरश आपको नजर आएगा। तो उसी इलाके में कहीं कुछ जमाली पुल है, एक डंपर ने एक प्रोफेसर साहब उनकी बेगम को जो मोटरसाइकिल पर थी कुचल के मार डाला। तो कह रहे थे कि ये वाटर पंप और सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। भाई कैसे, सिंध हुकूमत का वाटर क्या है, वो वाटर बोर्ड का क्या लेना देना। आप ही लोगों ने तो इस खत्ते में सबको बताया है कि अल्लाह की जान है, अल्लाह की अमानत है, वो जहां चाहे जैसे ले ले, तो इसमें सिंध हुकूमत का और वाटर बोर्ड का क्या ताल्लुक है। भाई वो तय था, लिखा हुआ था, जो हमें समझाया बताया गया उस एंगल से उनको वहीं मरना था, डंपर नहीं मारना था। मैं इस पर दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ कि कैसे कैसे वाकयात गड़े हुए हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तू फलानी जगह जाकर, फलाना बंदा जो अभी फलानी जगह पर है वहां पहुंचेगा, उसकी जाके जान निकालनी है। तो वो बंदा जो है हजरत सलमान या हजरत खिज्र सलमान के पास था ना, ये कमाल के वो बंदा जाता है हजरत सलमान के पास, कहता है कि मैं बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ मर जाऊंगा, मुझे फलाने जजीरे हजारों मील दूर भेज दें। तो वो भेज देते हैं, और फरिश्ता जब वहाँ जान लेने पहुँचता तो हैरान रह जाता है कि वाकई अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया हुआ है, तय किया हुआ है और जगह भी मुकर्रर की है, तो ये वहाँ से उठकर खुद आ गया। तो ये सब हमें समझाया सिखाया गया कि एक मुकर्रर वक्त पर सबको जाना है, और मौत किसी की डंपर से लिखी है, किसी की दहशतगर्द की गोली से लिखी है, किसी की रियासत की गोली से लिखी है, और किसी की डाकू की गोली से लिखी है, तो किसी की जमींदार की गोली से लिखी है। तो इसमें इल्जाम देना तो गलत बात है ना। और पानी बिक रहा है, सबको पता है बिक रहा है, आप कह रहे हैं कि जी टैंकर माफिया, कोई आज से है जब से रेंजर यहाँ आई 40 साल से पानी ही बिक रहा है। भाई उन्होंने भी तो खाना कमाना है ना, उन्होंने भी तो रहना है जी, यहाँ इल्जाम लगाते हैं कि जी हॉस्टल पे कब्जे कर लिए, स्कूल पे रेंजर ने कब्जे। भैया उनकी रियासत है, वो जैसे चाहे जहाँ चाहे रहे, किंगडम है ये। और फिर आपने गुज़िश्ता
70 साल में आपके भी एमएनए रहे, जमहूरियत में रहे, जियालक के साथ भी रहे, मुशर्रफ को भी सपोर्ट करते रहे एमएनए में, और ये एमकेएम भी क्या बिगाड़ लिया बयानात देने के अलावा, चंदा जमा करने के अलावा, खाने के अलावा, लॉबिंग करने के अलावा, आप ताकतवर हलकों का हिस्सा बनते चले जाते हैं, 2-4-6 लोग हर 5-10 साल में, और बाकी देखते जाते हैं। मैंने पिछले दिनों बताया था ना कि सड़क बनवाने के नाम पर अपने बड़े बड़े बैनर लगाए हुए हैं, शुक्रिया जवाहर स्वामी। तो आज मुझे लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए था, तो मैं पूरा इलाका देखाया मगर वो मुझे नहीं मिल सका पेस्ट जो है। तो मगर जहां जहां कचरा पड़ा हुआ था, बाखुदा बता रहा हूँ, जहां जहां कचरा पड़ा था वहां ऊपर जवाहर स्वामी शुक्रिया लिखा हुआ था। तो अंदर क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मगर कचरा तो आप ही के नाम पे जा रहा है ना। आप बेशर्मी बेहयाई देखें इन सियासी जमातों की, मजहबी सियासी जमातें भी कहना चाहिए, कि पूरा इलाके खंडर बने हुए हैं मगर अपनी नामो नमूद ढूंढे से बाज नहीं आते, कि कहीं गली बनवानी थी तो वहां पर भी लिखा हुआ है गली नहीं बनी, पार्क के चारों तरफ कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है मेन सड़क पे सानी रोड के साथ, और जमात स्वामी शुक्रिया चारों कोनों पे गड़ा हुआ है बैनर, और वहां तजावजात भी रखे हुए हैं और मक्खियां भिनक रही है गंदगी, और बच्चे कचरा चुनने वाले बेचारे वो भी आ रहे हैं, और जमात स्वामी चला शुक्रिया। तो जनाब ये यहाँ के हालात हैं बज़ाहिर जो आपको नजर आता है, कोई रियासत का लेना देना नहीं है, करप्शन उरूज पे है। आप में से बहुत सुने वो खबर सुनी होगी कि नया पाकिस्तान और मंजिल आसान, कोई प्रोग्राम है मेरे ख्याल में पंजाब में कि नया पाकिस्तान और मंजिल आसान, 30 अरब रुपए की करप्शन की तहकीकात शुरू हुई है, और ऐसे कितने 30 अरब हैं जगह जगह, मतलब जहां चले जाइए लूट मार के। आज ही फेसबुक पर पता नहीं ट्विटर पर किसी ने लगाया हुआ था कि हर इदारा दहशतगर्द है, किसी नई दहशतगर्दी की जरूरत नहीं है, जो इदारे बनते हैं वो दहशतगर्दी करते हैं, लूट मार करते हैं, कोई काम यहाँ करने को तैयार नहीं। मुफ्त में, मुफ्त से मतलब कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, पब्लिक के डीलिंग के इदारों में बैठे हैं, तो लोगों के काम कीजिए, वो करना ही पैसे देने हैं, हर जगह कोई काम भी करवाना हो, मतलब जो इंडेक्स पे नंबर है वर्ल्ड के करप्शन में, मैं समझता हूँ झूठा है, नंबर वन होगा ये मुल्क इस वक्त। अच्छा देखें, ये जो धरना का काम हुआ है ना, पूरी तारीफ उठाकर देख लें, जब भी सियासी जमातें लड़ती हैं, और उन्हीं से लड़ती हैं ना जो बताते हैं, कभी वो मेरे साथ होते हैं, कभी आपके साथ होते हैं, कभी मुझे मारते हैं, कभी आपको मारते हैं, और ये सिलसिला उनोज जारी है। तो नोट करें कि इल्जाम कितने बड़े बड़े हैं, बातें हो रही हैं कि गवर्नर राज लग सकता है नहीं लग सकता है, और मैं आपसे कह चुका हूं नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो उनका गढ़ है, एक नया क्योर पैदा होगा, वहां पहले ही बदमनी है, वहां इंतहा पसंदी है, दहशतगर्दी है, भत्ताखोरी है, कौन सा जुर्म है जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कभी कमी नहीं होगा। और शिया सुन्नी फसाद, मैंने आपको बताया था कि नीचे कुहाट तक तो आ गया है, आगे भी खुदा न खास्ता, और बड़े लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। इल्जाम तो रियासत सूबे की कयादत पे बड़े बड़े संगीन लगा रही है, आपको सब पता है कि असला भी लेकर आए और ये भी लेकर आए, और यहां पे भी हमला किया, इधर भी मारा, और वीडियो भी चल रही है, और इश्तहार बना दिया गया है उसको। मीडिया साथ मिला के रखना है ना, तो पैसे देने हैं ना भाई, तो अब उसे स्टार बना दिया है कि पुलिस वाले के पीछे लोग भाग रहे हैं, मार रहे हैं उठ रहे, और वो जो 9 मई वाला वीडियो आया था उसे भी मिक्स करके अब धड़ाधड़ स्टार बाटी हो रही है, और मीडिया पर माल लग रहा है। क्या बोलना नहीं है तुम्हें, जो ये फैसिलिटी दिखाते रहना है, जो मुल्क के जमीनी हकायक है वो नहीं बताने हैं। आप नोट करें, आम आदमी पकड़ा गया, मगर जो लेकर आए थे, जिन्होंने ये सब अरेंज किया था, उनमें से कोई एक भी पकड़ा गया, सुना आपने कहीं कोई एक? छोड़े केपीके का वजीर आला, वो तो वजीर आला है, बुशरा बीबी को भी छोड़ दें कि वो इमरान खान की बेगम है, कोई बैरिस्टर साहब, कोई बैरिस्टर गौहर, कोई वकास अकरम शेख,
और कोई अफजल मरवत और कोई उमर अयूब, मतलब यू नेम इट। अब तो ये भी कह रहे हैं कि जी मुराद शरीफ की सरदाई में 1500 दहशतगर्द जो है ना वहां काम कर रहे थे और वो सारा कोई ये दहशतगर्दी कर रहे थे, बहुत सारे कोई पैदर पे, और आम आदमी पकड़ा गया और कहा जा रहा है कि स्पीडी ट्रायल होंगे और उनको सजाएं, उनकी वीडियो बनवाई जा रही है, उनके माँ बाप को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, उनका कोई जिक्र करने वाला भी नहीं है। आप नोट करें कि मारे आप जाते हैं दोनों तरफ से, अगर गोली चली है मैं नहीं कह सकता, मुतजाद इत्तलात है। कुछ लोग कसम खा के कहते हैं कि कम से कम 50 लोग मरे हैं, कोई कहता है कि नहीं 10-12 मरे हैं। रियासत तो खैर जो कहती है उसका जितना ट्रस्ट है वो आप सबको पता है। तो कौन मारे गए, इनमें से कोई मारा गया या पहले कभी मारे गए थे, बताएं, आप सोचें, गौर करें। तो ये सब अपने घरों में बैठे हैं, अगर ये गिरफ्तार भी होंगे तो ये क्या आम आदमी की तरह डील होंगे? इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन याद आ जाएगा, इनके पास वकील हैं, इनके पास दौलत है, ये खुद वकील हैं, इन्हें ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी, मुख्तलिफ तंजीमों की, सिविल लिबर्टीज की पूरी दुनिया से, और इन्हें बी क्लास दे दी जाएगी, इन्हें देसी मुर्गे खाने को दे दिए जाएंगे, और कितने दिन रहेंगे, जमानत हो जाएगी। अगर आम आदमी जो 9 मई में पकड़ा हुआ था वो भी अंदर है, और जो आप पकड़े गए हैं वो भी सजा भुगतने के लिए तैयार रहे, और जब तक आप इन झूठों के लिए निकलते रहेंगे, इन मक्कारों के लिए, और ये देखे बगैर कि इनका मर्दी क्या रहा है, ये उन्हीं के कंधे पे बैठ के आए थे ना भाई। अगर मैं आपके कंधे पे बैठ कर आया हूं तो मेरी आंख पे शर्म होनी चाहिए कि आपने जितने दिन भी सही, जितने साल सही मुझे लेके घसीटा है, चले हैं आप, मेरा बोझ बर्दाश्त किया है। उनका हक है कि उन्होंने उतार दिया। जब तक आप ग्राउंड से आके खुद नहीं खड़े होंगे, अपने ताकत के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, और इस मुल्क में तो तय हो गया कोई जमहूरियत नहीं, कोई आईन नहीं, यहां हर चीज का एक मतलब है कि जिसके पास ताकत है वो आगे बढ़ सकता है जिंदगी के किसी मामले में भी, देख लीजिए। तो दुख की बात यह है कि आम आदमी फिर सफर कर रहा है, पता नहीं उनमें कैसे कितने होंगे कि जो अपने अपने अकलौते अपने घर के अकलौते कमाने वाले होंगे, अकलौते बेटे होंगे, शौहर होंगे नए नए, छोटे छोटे बच्चों के बाप होंगे, किसी का सहारा होंगे, और वो अंदर है, और ये सब बयान देने के लिए पहले की तरह हुर्रा हुर्रा के बातें करने के लिए बैठे हैं, और रियासत कुछ भी नहीं कर सकती इनका, वरना अब तक तो गिरफ्तार होना चाहिए था ना, गवर्नर राज लग जाने चाहिए था ना। जो इल्जाम आप लगाते हैं, मतलब किसी मौजूद सोसाइटी में इतने सारे इल्जाम लगाने के बावजूद ये सेटअप इसी तरह चल सकता था, नामुमकिन था। उल्टा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है अरविंद गरुडापुर, और वो बता रहा है कि हमारे खिलाफ कैसे दहशतगर्दी हुई है और हमारे लोगों को कैसे मारा गया है, और वो प्लाट दे रहा है, जिन्हें रियासत दहशतगर्द बता रही है वो उन्हें प्लाट दे रहा है। तो मैं तो बहुत मायूस हो चुका हूं, नाकाम नहीं है, अब मायूसी शुरू हो चुकी है। जाने ये खेल कितने अरसे का है, आप ये देखें क्रिकेट में नाक रगड़ने को, तो मैंने आपसे कहा था ना कि सऊदी अरब और यूएई से डिप्लोमेसी करवाने की कोशिश कर रहा है इंडिया, ऑलमोस्ट कामयाब हो गया है कि दुबई में मैचेस होंगे। भाई दुबई तो टूरिज्म की प्लेस है ना, या घूमने फिरने की, वहां से तो बाहर से लोग आए तो पैसा बनता है, या ब्लैकमेली पाकिस्तानियों की, इंडियंस की, या सराउंडिंग के लोगों की, गोरे अमेरिकन तो आके मेरा नहीं ख्याल के रखते होंगे, ये यूरोपियन इसी खत्ते के लोग रखते हैं ना, तो उनका स्टेडियम यूज होगा, उनकी फैसिलिटीज यूज होंगी, उनके यहाँ की चीजें बिकेंगी, उन्हीं के यहाँ जो रहने वाले हैं जो वहां से कमाते हैं वहीं खर्च करेंगे। तो और अब यहां पर बताया जाएगा कि पाकिस्तान की शराइत माननी है, इंडिया तो नहीं आया ना, बाहर ही मैच खेले जाएंगे ना। बात तो ये होती है कि आप बाइकआउट कर देते, कहते कि ये हमें करानी नहीं जॉब, या आर्मी अदाले चले जाते हैं, वोटिंग का नंबर करवाने तक से आप डरते हैं। जैसे यहां की सियासी पार्टियां एहतजाज के लिए आपको कराची से या केपीटी के किसी दूर दराज इलाके से या लाहौर से इस्लामाबाद बुलाएंगी, मगर ये नहीं कहेंगे भाई अगर आपके अंदर ताकत है, हिम्मत है, आप पॉपुलरिटी का जो क्लेम करते हैं, आप लोगों से ये कह रहे हैं पुरअमन रहने के लिए कि अपने घर के दरवाजों पर बैठ जाएं, अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ
और कोई आपके ख्याल में आपकी गली में अगर सामने वाला भी बैठा हो और आप भी बैठे हो और गली का घर में लोग बैठे हुए हो अपने घर की स्टेयर्स के ऊपर, तो कोई हमला हो सकता है, कोई मोटरसाइकिल जल सकती है, कोई गाड़ी जल सकती है, कोई पेट्रोल पंप, कोई शेन आप टीयर गैस चल सकती है, कोई वाटर कैनन चल सकता है, कुछ नहीं चलेगा। और जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं उनकी आंखें बाहर आ जाएंगी, मगर आपकी अपनी पॉपुलरिटी नहीं है ना, आपको यकीन नहीं है। अगर है भी कहीं कि आपके कहने पर लोग अपने घर के दरवाजों पे, वो तो आपने MNA MPA की टीम में लगाया हुआ है कि 5,000 टू लेके कराना है, वरना साफ धमकी है तुझे नेक्स्ट टाइम टिकट नहीं मिलेगा। और वो लालची कुत्ता, रिपीट करके कह रहा हूं, बहोश पे कह रहा हूं, कि वो लालची कुत्ता किसी नजरियात की बुनियाद पर किसी पार्टी में नहीं है। उसे तो ताकत चाहिए, उसे पार्लियामेंट में जाने का परमिट चाहिए ताकि वो इलाके के आसपास के और सिस्टम में माल बना सके, लूट सके, खा सके और अपने लोगों को दबा सके। उन्हें ये कैसे मुमकिन है कि एक लीडर सारे फैसले करता हो और सब उसकी जी हुजूरी करते हो और उससे कोई इख्तलाफ करने को तैयार ही ना होता हो, और अचानक कोई एक आज कहीं इख्तलाफ कर जाए तो उसे दूध में से मक्खी की निकाल कर फेंक दिया जाए। और जो लोग हैं उनमें से बहुत बड़ी अक्सरियत को तो मैं जानता हूँ जो अकेले में बैठकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और उन्हें जिस पार्टी से जीतने की उम्मीद हो उसमें चले जाएं माल लगाकर, तो वो लालची कुत्ते ही हैं। तो बात यह है कि दुनिया बदली है, एहतजाज के तरीके बदले हैं, मगर यहाँ कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि ये कोई जमहूरियत ही नहीं है, यहाँ किसी की कोई पॉपुलरिटी नहीं है। सबको पता है कि अगर ये दो चोर चले जाएंगे तीन, तो जो आने वाला है जो नारे मार रहा है वो भी चोर है, उसके आसपास के लोग भी चोर हैं। वो इरशाद भट्टी बता रहा था, ट्रोलर किसका है सबको मालूम है ना, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कि फराह गोगी का नाम लेके बगैर कह रहा था और रियाज मलिक का भी नाम ले रहा था कि 500 आईफोन लिए, 9 लाख रुपए अपनी चमड़ी सीधी कराने के लिए, मरियम को कहते थे अपनी चमड़ी फराह गोगी ने ठीक कराने के, 9 लाख दरहम दुबई में रियाज मलिक से दिलवाए। और जो लूट मार की वो तफसील बताता है, और अब तो हलीमा बेगम और उनकी बहनें खुद पंजाब की सूरत हाल के बारे में ट्वीट कर रही हैं कि बुशरा का क्या किरदार था, फराह गोगी का क्या था, मगर इस अवाम ने तय कर दिया है कि वो दो चोरों के मुकाबले में सबसे बड़े चोर को अब वोट देंगे। और असल में वो जो कहते हैं ना 74% और 80% हमारी पॉपुलरिटी है और अवाम हमारे साथ है, अब आवाम ये बता रही है कि तुम जिसके खिलाफ जाओगे हम उसके साथ खड़े होंगे चाहे वो कितना भी कभी ना हो। तो जब शऊर छीन लिया जाए और गुस्सा ही गुस्सा रह जाए तो आने वाले दिनों के बारे में किसी पेशेंटगोई की जरूरत नहीं है। जो अब मंजर पे नजर आ रहा है देखना ये है कि कितने अरसे चलना है इस तरह। आज के लिए जान दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होनी जाता करना पैदा होनी जाता करना जीवन दे ली मरना। खून की बीमारियों में मुब्तिला जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें, तो मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदर फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है, अली को थैलेसीमिया है, आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। संदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात ज़कात और अतियात संदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।